अगर मैं तो सांप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो आपसे सारे काम आते हैं, वीडियो अपलोड करना भी आता है, थंबनेल लगाना भी आता है, टाइटल लिखना भी आता है, डिस्क्रिप्शन लगाना भी आता है, आपको टैग्स लगाना भी आता है, मतलब कि आप सारे काम जानते हैं। वीडियो को बस पब्लिक करते समय आप दो मिस्टेक कर देते हैं, दो गलती कर देते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते, आपका वीडियो कोई भी सर्च में नहीं जाता है और सर्च से व्यूज नहीं आता है। और जब सर्च से व्यूज नहीं आएगा आपके नए चैनल पे, तो मान के चलो आपकी वीडियो कभी वायरल भी नहीं होगी और आपका चैनल कभी ग्रो भी नहीं होगा। और आप क्या दो मिस्टेक करते हैं, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि कौन सी दो गलती ऐसी कर लेते हैं वीडियो को पब्लिक करते समय। वीडियो अपलोड भी सही से कर लेते हो आप, थंबनेल भी सही से लगा लेते हो, कि सारे काम बिल्कुल परफेक्ट कर लेते हो आप, और आप ये सोचते हो कि यार हमारी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है और हमारी वीडियो सर्च में नहीं जा रही है, हमारी वीडियो कभी वायरल नहीं हो रही है। आज ये दोनों गलती बताने वाला हूं कि आपको ये दोनों गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप वीडियो को पब्लिक करते हैं। तो वीडियो को पब्लिक करने से पहले आप ये दोनों बातें जान लें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाए, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम दो मिस्टेक ऐसी कौन सी करते हैं जिससे कि हमारी वीडियो पर व्यूज नहीं आता है और हमारी वीडियो कभी वायरल नहीं होती है। अगर आपको ये दोनों मिस्टेक जाननी है तो इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख लें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो हम दो मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहले मिस्टेक क्या करते हैं हम, जैसे मान के चलो हमने सारे काम कर लिए, वीडियो अपलोड कर ली, थंबनेल बना लिया, टाइटल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लगा दिया, सब काम कर लिए, परफेक्ट कर लिए, बाईटी स्टूडियो से वीडियो को पब्लिक करते हैं और बाईटी स्टूडियो में हम गलती कर लेते हैं, सबसे पहली गलती। और हमें बाईटी स्टूडियो में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा और आपकी वीडियो कभी भी सर्च में नहीं जाएगी। क्या गलती है, क्योंकि मेरे दोस्त जब हम बाईटी स्टूडियो में वीडियो को पब्लिक कर लेते हैं, हम हर मिनट में बाईटी स्टूडियो को ओपन करके खोल खोल के देखते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब बढ़े हैं, मतलब हर मिनट में वीडियो को पब्लिक करने के बाद। और 30 मिनट से पहले बाईटी स्टूडियो को बार बार ओपन करके देखेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी नहीं आएंगे और आपकी वीडियो बिल्कुल भी सर्च में नहीं जाएगी, आपको इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बाईटी स्टूडियो में एक ऐसा अपडेट है, अगर हम 30 मिनट से पहले इस बाईटी स्टूडियो को ओपन करके ना देखें, कि मतलब कि अगर आप बार बार ओपन करके देखेंगे तो आपको इससे आपकी वीडियो पर इफेक्ट पड़ेगा और इफेक्ट पड़ेगा तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो है ना ऑडियंस, अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाएगा तो आपका जो भी वीडियो है ना सर्च में नहीं जाएगा। आपको वीडियो पब्लिक करने के बाद 30 मिनट तक बाईटी स्टूडियो को ओपन करके नहीं देखना है, पहली मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक क्या कर लेते हैं हम, दूसरी मिस्टेक ये कर लेते हैं हम अपने ही फोन में अपनी ही दूसरी जीमेल से अपनी वीडियो को वॉच कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है आपको, अगर वीडियो को अपने ही फोन में, ठीक है, जिस फोन में आपका चैनल है, अगर आप उसी फोन से अगर अपनी वीडियो को देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है। आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा, आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी, कभी वीडियो सर्च में नहीं जाएगी, कभी चैनल ग्रो नहीं होगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज की कदर पे पहुंच भी गया तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको ये गलती करनी है तो मैं बता देता हूं, आप दूसरे फोन में दूसरी जीमेल से देख सकते हैं, ठीक है, दूसरे फोन में, अपने डिवाइस से ना देखें, अपने जो आपका खुद का फोन है जिसमें आपका चैनल है उस भी आपको ये वीडियो वॉच नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये ऐसी गलती करेंगे तो ये गलती आपके चैनल को फ्रीज कर सकती है, ठीक है, आपकी वीडियो कभी भी सर्च में नहीं जाएगी, आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। आपको दोनों ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए दोनों मिस्टेक आपको ये जरूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको बाईटी स्टूडियो ओपन नहीं करना है, दूसरी आपको अपने ही फोन में चाहे दूसरी जीमेल से देख रहे हैं मगर आपको ये वीडियो वॉच नहीं करनी है, दूसरे फोन में दूसरी डिवाइस में आप कितनी बार भी देख लें कोई बात नहीं है, ठीक है। एक YouTube को पता चलेगा तो आपके चैनल को, अगर मान के चलो आपने क्रिएट एरिया कंप्लीट भी कर लिया तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, कभी मोनेटाइज नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आज की इस वीडियो में आपको यही सारी बातें कंप्लीट करके बताने वाला था। अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।